इस समय डेंगू का मैं शिकार हूँ। डेंगू से इस तरह की हालत है कि 12-13 किलो वेट एकदम से चला गया है, ये समझो कि मौत के कगार में हूँ, टीका हूँ। चित्रकूट जिला के ब्लॉक मानिकपुर गांव चुरेह केसरुआ के हरिजन बस्ती में अभी तक बारिश का पानी भरा हुआ है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस तरह से पूरा गांव पानी भरा है, क्या मतलब कौन सी बीमारी फैल रही है? यहाँ बीमारी फैल रही, खांसी जुकाम बुखार एकदम मलेरिया, मलेरिया से तो खांसी जो वहाँ जुकाम ये सब चल रही है। वहीं पानी में हमारा 24 घंटा पाँव बूढ़े रहे, देखो कैसे फूल के रह गए हम वहीं। हमका बहुत तकलीफ, बहुत हमारा घर देख लो, हमारे घर में पानी भरा है वहीं, हमको बहुत परेशानी बहुत तकलीफ है। कितने दिन से भरा है इस तरह से पानी? ये जब से बारिश भाई तब से यह पानी सूखा नहीं है, वहाँ गढ़ही भरी है देख लीजिए। अब हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे वहाँ बनाए कैसे पूरे हम नहीं कर पाते हैं। तो यह जब तक अभी यह जब तक पानी भरे रहेगा तब तक इस तरह बहेगा नहीं। हाँ, हमारे 24 घंटा पाँव बूढ़े रहते हैं, घरों में बूढ़े रहते हैं, हमने जाके जाके घर देख लीजिए। पानी को लेकर सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस गांव में अभी भी लोग कुएं का पानी छान कर पीते हैं। यहाँ हैंडपंप की सुविधा भी नहीं है, खेत पहाड़ और तालाबों का पानी भी कुएं में जमा हो गया है, लोग उसी पानी को छान कर पीने के लिए मजबूर हैं। डेंगू चेक कराए हो गए मेरे को, जब से बारिश बारिश हुई है, चालू 4-5 महीने से बारिश चालू हुई है तब से, और पथरी भी डेंगू के बाद तुरंत पथरी निकल आई, तो पथरी में बहुत इलाज चाहे, ऑपरेशन को कह रहे थे, ऑपरेशन कराने की मेरी क्षमता नहीं रह गई। आई अभी चेक कराऊंगा तो एक भी प्लेट 7-8 पॉइंट खून रह गया है, ना तो प्लेटें पूरी डाउन है। हाँ, अब कोई जुगाड़ है नहीं है कि मैं अपना फिर से इलाज, जिसमें से फ्री इलाज होता है आयुष्मान का, जी तो वो बना है? हाँ बना है। उससे क्या फायदा? ना कोई फायदा नहीं होता, मैं यहाँ से इलाहाबाद तक गया खाली नाम का, नाम का दो दो स्मार्ट कार्ड बना, मानिकपुर से बनवाया, एक डाक द्वारा आया, मगर खाली नाम का। कुल दवाई बाहर से लिखो और बाहर की दवाई करो, आयुष्मान कार्ड का कोई वैल्यू नहीं हमें आज तक सरकार से मिल पाया। इलाज में हमारे छोटी छोटी अस्पतालों से बड़ी अस्पतालों तक जाने में नहीं कुछ, तो इस समय वर्तमान मेरे पास 76-77 हज़ार रुपये तो ससुराल का कर्ज है, और जिसमें से श्रीमान जी मेरी पत्नी का जितने भी डेरा था गहन गुरिया, एक एक मंगलसूत्र तक मेरे पत्नी का मतलब बिक चुका है, और बिक चुका है फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। अब मैं यही ईश्वर से मनाता हूँ कि मैं मेरी मौतें हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 3-3 बच्चियाँ हैं, खेती बाड़ी है नहीं, और उनको खिलाने पिलाने में बिल्कुल एकदम असमर्थ हूँ। हाँ अभी तो ठीक है, कुछ दिन खाना पानी अट रहा है तो अटा रहा हूँ, और नहीं किस दिन आत्महत्या का विचार कर रहा हूँ कि आत्महत्या कर लूँ तो ना तो देखूँगा और ना लगेगा। इसके संदर्भ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये ऐसे फीडबैक हमारे पास आए, और चूँकि विकासखंड मानिकपुर में कुछ सुदूर मजरे हैं जहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी संज्ञान में आती रहती हैं, और उनको तत्काल उन संदर्भ में एक टीम लगाकर वहाँ का सत्यापन करा के और जो भी वस्तुस्थिति है उसको हम टैकल करेंगे, और चाहे सफाई की हो तो वीडियो पंचायत के पर्यवेक्षण में सफाई कर्मियों की टीम लगा करके, अन्य योजनाओं से वंचित लोग हैं तो अपने हम वीडियो स्तर से सत्यापन करा के, और पात्रता की शर्तें पूरे करने वाले को समस्त लाभार्थियों को नियमानुसार विकासखंड से हम अपनी रिपोर्टों से अग्रसारित करके लाभान्वित कराने का प्रयास करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।